के बाद मथुरा की बारी पर बोले, विपक्षी दल तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, ऐसा केशव प्रसाद मौर्य ने कहा। उन्होंने कहा कि बाद में वहां पर नतमस्तक हो जाते हैं विपक्षी दल। अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, बाबा विश्वनाथ का भव्य कॉरिडोर बन रहा है और मथुरा में भव्य मंदिर बने हर कृष्ण भक्त की ये इच्छा है। हमने ट्वीट से अपना भाव को प्रकट किया है, विपक्षी नेताओं से पूछना चाहता हूं, मथुरा में भव्य मंदिर बनने का विरोध करते हैं या फिर आप इसका समर्थन करते हैं? तो ये सवाल उनके द्वारा पूछा गया। केशव प्रसाद मौर्य ने एक बड़ा बयान यहां पर दिया। श्री रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है, बाबा विश्वनाथ मंदिर का भव्य कॉरिडोर बन रहा है काशी में, और मथुरा में श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बने, यह हर श्री कृष्ण जी के भक्त की इच्छा है, आकांक्षा है। मैं भी उस भाव को ही प्रकट किया हूं, लेकिन मैं श्री अखिलेश यादव जी और उन विपक्षी नेताओं से पूछना चाहता हूं, बताएं क्या श्री कृष्ण जन्मभूमि पर और भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनने का विरोध करते हैं कि समर्थन करते हैं? कि श्री रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है, बाबा विश्वनाथ मंदिर का भव्य कॉरिडोर बन रहा है काशी में, और मथुरा में श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बने, यह हर श्री कृष्ण जी के भक्त की इच्छा है, आकांक्षा है। मैं भी उस भाव को ही प्रकट किया हूं, लेकिन मैं श्री अखिलेश यादव जी और उन विपक्षी नेताओं से पूछना चाहता हूं, बताएं क्या श्री कृष्ण जन्मभूमि पर और भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनने का विरोध करते हैं कि समर्थन करते हैं? कि श्री रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है, बाबा विश्वनाथ मंदिर का भव्य कॉरिडोर बन रहा है काशी में, और मथुरा में श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बने, यह हर श्री कृष्ण जी के भक्त की इच्छा है, आकांक्षा है। मैं भी उस भाव को ही प्रकट। और खबर लखनऊ से है, जहां पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती